डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो टाइप्स ऑफ रिटेलर्स का सेकेंड टाइप है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, जिसे हम नॉन एटेनरेंट रिटेलर्स भी बोलते हैं, तो ये कवर अप करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की, जो ट्रेड वाले टॉपिक की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों को सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो आप चैनल के पर जाकर प्लेलिस्ट में सर्च कर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो आप लोगों की डिमांड आई कि मिस प्लीज ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए, मैं टाइम मैनेज कर एक्सप्लेनेशन लेकर आ रही हूँ। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स का हमने ऑलरेडी एटेनरेंट रिटेलर्स कवर अप कर लिया था, जिसमें हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स एंड मार्केट ट्रेडर्स, जिसे हम वीकली मार्केट भी बोलते हैं, ये कवर अप कर चुके थे। अभी स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, जो कि फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स का टाइप है, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि भाई ये फिक्स्ड शॉप क्या होते हैं, तो जो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होते हैं आर दोज रिटेलर्स, ये वो रिटेलर्स है हु डू नॉट मूव, ये लोग मूव नहीं करते। फिक्स्ड शॉप मतलब एक जगह पे फिक्स है, स्थिर है, वो स्टेबल है, यहाँ वहां मूव नहीं होगा। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड दे मोस्टली हैव फिक्स्ड प्लेसेस, ज्यादा कर ज्यादातर इनकी जो प्लेसेस है वो फिक्स्ड ही रहती है, एंड दे कैन फर्दर भी क्लासिफाइड इनटू, इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर एंड लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स में। अब ये जो स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर है, तो ये वर्ड ही हमको सजेस्ट कर रहा है, बता रहा है कि भाई छोटी स्मॉल ऑपरेटिंग बिजनेस हो गया ये, तो द रिटेलर हु कंडक्ट देयर बिजनेस ऑपरेशंस ऑन अ स्मॉल स्केल, छोटी मात्रा में जो बिजनेस रन करते हैं, जिनके पास क्वांटिटी कमोडिटीज की क्वांटिटीज भी कम होती है, कैपिटल जिनका इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, एंड डील इन वेराइटीज ऑफ गुड्स आर स्मॉल स्केल शॉप रिटेलर्स, और ये जो रिटेलर्स होते हैं वो वेराइटीज ऑफ गुड्स में डीलिंग करते हैं, उनकी डीलिंग होती है। दे ऑफर शॉपिंग कन्वीनियंस, वो अपने कस्टमर्स को शॉपिंग का कन्वीनियंस कंफर्टेबल प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये नियर बाय लोकेलिटीज में, जो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज है या फिर जो सेम लोकेलिटी जहां पर कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, जिनकी रेजिडेंशियल एरिया होती है, वहां पे ये जो फिक्स्ड स्मॉल स्केल रिटेलर्स है वो अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरल स्टोर्स हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, लॉन्ड्री एक्सेट्रा हो गया। जनरल स्टोर पे तो हम लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, आना जाना हमारा चालू रहता है। मेडिकल स्टोर कभी कभार हमें मेडिकल स्टोर भी जाना पड़ता है व्हेन वी आर सिक और हमें कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। देन लॉन्ड्री वाला, ये तो रोजमर्रा हमारे कपड़े जो है लॉन्ड्री वॉश के लिए, मतलब आइनिंग वगैरह के लिए जो जाते हैं, तो यहाँ पे लॉन्ड्री वाला, ये सब जनरल स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स के अंडर में आता है। नाउ टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, अभी ये जो स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स है, इट इज आल्सो सब डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। उसमें से पहला है जनरल स्टोर। तो जनरल स्टोर क्या क्या सेल करेगा इसके बारे में, तो ये तो आप लोग रोज ऑब्जर्व करते हो, कभी ना कभी तो किसी न किसी काम से मम्मी आपको भेजी देती है जनरल स्टोर पे, तो आप लोगों को आइडिया है, तो जस्ट वही आप लोगों को नोट डाउन कर देना कि जनरल स्टोर रिटेलर्स क्या गुड्स सेल करते हैं। सेल गुड्स विच आर रिक्वायर्ड बाई पीपल फॉर देयर डे टू डे नीड्स, डेली नीड्स के लिए जो गुड्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है जनरल स्टोर वाला, लाइक फूड ग्रीन्स हो गया, सोप्स हो गया, स्टेशनरी हो गया, मेडिसिन हो गए, ऑयल, टॉफीज, बिस्किट्स, प्लास्टिक गुड्स, देन फुटवेयर, अम्ब्रेला, पेंस एक्सेट्रा। नाउ ये जो शॉप्स है, दीज शॉप्स आर जनरली सिचुएटेड नियर द रेजिडेंशियल एरियाज, जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहीं पे ये सिचुएटेड होते हैं, सिटी एंड टाउन के जो जहाँ पर रहीवासी एरिया, हम जिसे बोलते हैं ना लोग बाग रहते हैं, जिनके घर होते हैं, तो हाउस होल्ड जहाँ पर डिसाइड करते हैं, तो उसके आसपास ही ये होता है। दे प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स, हाँ एट टाइम्स वो अपने कस्टमर्स को होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं। दे हैव वैरायटी ऑफ गुड्स इन ईच आइटम, हर एक आइटम की उनकी वैरायटी, हर एक आइटम के, जैसे राइस है तो राइस की बहुत सारी वैरायटी है, वीट है तो वीट की बहुत सारी वैरायटीज है, तो यहाँ पे वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं। बिस्किट्स है तो वैरायटीज ऑफ कंपनी के, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर बटर वाले बिस्किट्स हो गए, ग्लूकोज बिस्किट्स हो गए, शुगर फ्री बिस्किट्स हो गए। सो दे बाय गुड्स फ्रॉम, अभी ये कहां से गुड्स लेकर आते हैं, तो दे बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स
और बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, या तो ये होलसेलर से परचेस करते हैं या फिर ये डायरेक्टली जो है मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेस करते हैं। नाउ जो सेकेंड है, सेकेंड हैंड गुड्स की शॉप भी होती है जहाँ पर जो रिटेलर्स जो है परचेस एंड सेल करता है, यूज्ड गुड्स को परचेस एंड सेल करता है। दे डील इन बुक्स का डीलिंग, फर्नीचर, टीवी सेट्स, क्लोथ्स, देन कार्स एक्सेट्रा। आफ्टर रिपेयरिंग द गुड्स, गुड्स को रिपेयर करने के बाद में, सेकेंड हैंड गुड्स अगर सामने वाले बंदे ने, शॉपकीपर ने परचेस किया है तो ऑब्वियसली वो उसकी रिपेयरिंग जरूर करेगा। तो आफ्टर रिपेयरिंग एंड सेटिंग देम इन वर्किंग कंडीशन, उनको वर्किंग कंडीशन में सेटअप करने के बाद में द गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स, गुड्स जो है कंज्यूमर्स को सेल कर दिए जाते हैं। जनरली कंज्यूमर्स जो वीक फाइनेंशियली वीक होते हैं, जिनका बैकग्राउंड फाइनेंशियली वीक होता है, फ्रॉम वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड परचेस गुड्स फ्रॉम देम, तो वो लोग सेकेंड हैंड गुड्स जो है परचेस करते हैं। एज द प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स आर चीप, चीप क्यों होता है ये वाले गुड्स का प्राइसेस, क्योंकि ये सेकेंड हैंड यूज किए हुए गुड्स है जिनको आफ्टर सर्टन रिपेयरिंग, थोड़ी रिपेयरिंग के बाद में इन्हें रीसेल कर दिया जाता है। दे लैक क्वालिटी, क्योंकि इनके ये चीप क्यों होते हैं, इनकी क्वालिटी फिर वो वैसी क्वालिटी नहीं रहती, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा नहीं होती, एंड गारंटी, कोई गारंटी वाली कोई बात नहीं होती यहाँ पर, इसीलिए। देन थर्ड वन इज ऑथराइज्ड डीलर, ऑथराइज्ड डीलर्स भी होते हैं। ऑथराइज्ड डीलर्स जो जिनके पास है ना ऑथराइजेशन होता है, कंपनीज का, मैन्युफैक्चरर का ऑथराइजेशन रिसीव होता है, तो दीज रिटेलर्स हैव ऑथराइज्ड डीलरशिप ऑफ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स गुड्स, पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर गुड्स के ही ये ऑथराइजेशन इनको रिसीव होती है। तो दे डील इन गुड्स लाइक ये टीवी सेट्स का, वॉशिंग मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स, म्यूजिक सिस्टम्स वगैरह की ये लोग जो है अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। तो ऑथराइज्ड डीलर्स ट्राई टू मैक्सिमाइज सेल ऑफ गुड्स, ये गुड्स को जो है ज्यादा ज्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे गेट गुड कमीशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरर से अच्छा कमीशन रिसीव होता है इसीलिए। देन ऑथराइज्ड डीलर्स डू नॉट हैव प्रोडक्ट ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर्स, अगर किसी के पास ऑथराइजेशन है, ऑथराइज्ड डीलर है, तो उसके पास दूसरे किसी मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर हुम दे आर वर्किंग एज ऑथराइज्ड डीलर, खाली उन्हीं के प्रोडक्ट रखेगा जिनसे उन्हें, जिन्हें उनकी ऑथराइजेशन रिसीव हुई है। जैसे कि ऑथराइजेशन की बात करें तो मान लीजिए अगर किसी ने गोदरेज के ही गुड्स को सेल कर रहा है, अगर कोई गोदरेज के इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिलिप्स के इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो अगर उसने फिलिप्स वाले से ऑथराइजेशन लिया तो वो खाली फिलिप्स के ही गुड्स रखेगा। सो दे प्रमोट द गुड्स बाय विंडो डिस्प्ले, अब वो लोग कैसे प्रमोट करते, कैसे गुड्स को कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते, तो वो विंडो डिस्प्ले, ये एडवर्टाइजमेंट हो गया ना कि भी ग्लास मिरर, ग्लास वाले शोकेस में ये लोग ऐसे डिस्प्ले करते हैं कि आने जाने वाले रास्ते पे आने जाने वाले लोगों की नजर भी उस प्रोडक्ट पे पड़ती है। देन एडवर्टीजमेंट्स, देन अट्रैक्टिव स्कीम्स वगैरह ये लेकर आते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो दिवाली के टाइम पे काफी ऑफर्स आते हैं, इवन आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत सारे हम लोगों को जो है अट्रैक्टिव जो स्कीम्स हमें रिसीव होते हैं, ऑफर करते हैं। फ्लिप का जो फेस्टिवल बोन्जा यहाँ पर स्कीम आती रहती है, जो अमेजोन है वो स्कीम्स लेकर आते रहते हैं, तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू भी होती है। नाउ फोर्थ वन इज स्पेशलाइज्ड शॉप्स, तो जो स्पेशलिटी शॉप्स होती है वो गारमेंट्स को लेकर, स्पोर्ट्स मटेरियल को लेकर स्पेशलाइज शॉप्स होते हैं। तो दीज रिटेलर्स डील इन अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स, ये लोग एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स के साथ ही डीलिंग करते हैं। दे कीप अ वाइड वेरायटी, बहुत सारी वेरायटीज रखते हैं उस आइटम की ऑफ द सेम लाइन ऑफ द प्रोडक्ट की। जैसे कि टॉय वाली शॉप है तो वैरायटीज ऑफ टॉय रखेगा, अलग अलग कंपनीज के टॉय रखेगा। टॉय शॉप में कीप ओनली टॉयज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के टॉयज रखेगा। देन अदर एग्जांपल ऑफ स्पेशलिटी शॉप रिटेलर आर स्पोर्ट्स मटेरियल हो गए, देन रेडीमेड ड्रेसेस हो गए, लेदर गुड्स हो गए, प्लास्टिक गुड्स हो गए, वॉचेस है, बुक्स है, एक्सेट्रा। नाउ दे ऑफर गुड्स एट वेरिंग प्राइस रेंज, अलग अलग प्राइजेस की में रेंज, जो अलग अलग प्राइजेस है उस प्राइजेस के गुड्स इनके पास अवेलेबल होते हैं एज पर द क्वालिटी एंड उसकी क्वान्टिटी के हिसाब से। दे प्रोवाइड अ वाइड चॉइस टू कस्टमर्स, तो यहाँ पर ये बहुत वाइड चॉइस प्रोवाइड करता है, कस्टमर को चॉइस होती है क्योंकि यहाँ पर ये वैरायटीज ऑफ आइटम्स रखते हैं और वो भी सेम लाइन वाले प्रोडक्ट ये लोग रखते हैं अपने शॉप में। दे गिव एडवाइस टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को एडवाइस देते हैं एज दे हैव एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि उनको उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्ट नॉलेज होता है, दे आर एक्सपर्टाइज इन सेलिंग दीज प्रोडक्ट। तो वो कस्टमर को भी एडवाइस देते हैं कि भाई उनके लिए कौन सा अफोर्डेबल रहेगा, कैसा रहेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है एंड ऑल। आई होप तो आपको स्मॉल स्केल जो है
फिक्स रिटेलर्स के टाइप समझ में आ गए हैं। अभी नेक्स्ट हम मूव करेंगे लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स। तो लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स जो है द रिटेलर्स हु कंडक्ट देयर बिजनेस ऑपरेशंस, ये अपने बिजनेस ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं ऑन द लार्ज बेसिस। भारी मात्रा में ये लोग का इन्वेस्टमेंट भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है ऑन लार्ज स्केल बाय इन्वेस्टिंग ह्यूज कैपिटल देन सेलिंग वैरायटी ऑफ क्वालिटी गुड्स, अलग अलग क्वालिटी के गुड्स ये सेल करते हैं आर लार्ज स्केल शॉप रिटेलर्स। तो जो द रिटेलर्स हु कंडक्ट हु कैरी आउट देयर बिजनेस ऑपरेशंस ऑन अ लार्ज स्केल बाय इन्वेस्टिंग ह्यूज कैपिटल और सेलिंग वैरायटी ऑफ क्वालिटी गुड्स आर लार्ज स्केल शॉप रिटेलर्स। नाउ दीज रिटेलर्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। अभी ये जो रिटेलर्स का जो इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये कैसे आए हैं, इनका बर्थ कैसे हुआ, तो ये अर्बनाइजेशन की वजह से, जो शहरी विकास हो रहे हैं उसके वजह से हुआ है। तो दीज आर फिक्स शॉप्स, ये भी फिक्स शॉप्स है एंड दीज आर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेलिटीज ऑफ सिटीज, सिटीज की डिफरेंट लोकेलिटीज में ये जो शॉप्स है इनका सेटअप हुआ हुआ है। नाउ टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, सुपर मार्केट है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स कौन सा होता है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज स्केल रिटेल शॉप है हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं। जैसे आप डीमार्ट जाओगे, आप रिलायंस फ्रेश जाओगे, तो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, सेक्शंस होते हैं अंडर वन रूफ, एक ही रूफ के अंडर में आपको वेरियस उसके जो है डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, सेक्शंस मिलेंगे एंड ईच सेक्शन डील। बिग बाजार जब आप जाते हो तो बिग बाजार में भी वही होता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट सेक्शन बने हुए हैं। तो इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स ऑल द डिपार्टमेंट्स आर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज बाय वन मैनेजमेंट, एक सिंगल मैनेजमेंट उसको रन करता है, मैनेज करता है। मतलब पूरी की पूरी आप सोचो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लो, थर्ड फ्लो, ऐसे सब वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो लोग अपने अपने सेक्शंस बनाते हैं। नाउ इट सेल्स अ वैरायटी ऑफ गुड्स लाइक फूड आइटम्स से लेकर टॉयज, ड्रेसेस एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल शॉपर स्टॉप हो गया, डीमार्ट हो गया, देन बिग बाजार हो गया। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। नाउ अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफेंसन, व्हाट ही सेज दैट अ बिग स्टोर एंगेज्ड इन द रिटेल ट्रेड, बड़ा स्टोर रिटेल ट्रेड में एंगेज होता है ऑफ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स अंडर द सेम रूफ के अंदर, सेम छत के नीचे। ये टॉयज का सेक्शन हो गया, फूड का सेक्शन हो गया, ड्रेसेस का सेक्शन हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल का सेक्शन हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू जीबी गाइल्स, व्हाट इज सेज दैट अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ कलेक्शन ऑफ शॉप्स अंडर वन रूफ, एक ही रूफ के अंदर बहुत सारे शॉप्स का कलेक्शन एंड ओनरशिप भी सेम होती है एंड ईच शॉप और डिपार्टमेंट स्पेशलाइजिंग इन सेलिंग अ स्पेशल रेंज ऑफ गुड्स, स्पेशल टाइप के गुड्स, रेंज के गुड्स ये सेल करता है। नाउ फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के फीचर्स क्या है, तो शॉपिंग कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के लिए कम्फर्ट होता है, ईजी होता है, कस्टमर्स के सारे वॉन्ट्स को फुलफिल कर देता है ये एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भारी मात्रा में गुड्स एंड सर्विसेज इनके पास अवेलेबल होते हैं, दैट इज ऑल्सो अंडर वन रूफ, हैंस प्रोवाइड्स मैक्सिमम शॉपिंग कन्वीनियंस। तो जो है शॉपिंग के लिए जब हम जाते हैं तो हमें काफी कंफर्टेबल लगता है, आरामदायक होता है, एक ही जगह पे सारा सामान मिल जाता है। सो कस्टमर्स कैन फुलफिल देयर वॉन्ट्स ऑफ गुड्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स, और प्राइस लेवल्स भी अलग अलग होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड ऑल। देन सेकेंड वन इज सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, एक ही जन के हाथ में कंट्रोल होता है, एक ही उसका मालिक होता है। तो इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है लेकिन उसका जो सेंट्रली जो इट इज ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द वन ओनर ओनली। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग है, अकाउंटिंग है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ है, ऑल एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर एंगे मैनेज्ड एट सेंट्रल लेवल, ये सेंट्रल लेवल पे ही मैनेज होता है। देन थर्ड वन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड ए वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, भारी मात्रा में लार्ज वैरायटीज ये प्रोवाइड करता है, अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग डिजाइंस के, अलग अलग कलर्स के यहाँ पर जो गुड्स है वो अवेलेबल होते हैं, रिसीव होते हैं। नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है सेंट्रल लोकेशन, तो डिपार्टमेंटल स्टोर जो प्रेफर करता है सेंट्रल प्लेस प्रेफर करता है सिटी की, ताकि वहां तक सारे कस्टमर्स को कन्वीनियंस हो, इजीली पहुंच सके, सो द लोकेशन बिकम्स इजी फॉर द कस्टमर्स टू एक्सेस। देन ह्यूज कैपिटल, ऑब्वियसली
बहुत सारे सेक्शंस होते हैं तो कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी, ह्यूज होगी. सो डिपार्टमेंटल स्टोर रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड दिस कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेशियस प्लेस. स्पेशियस प्लेस हमें भारी जगह है वो, बहुत सारी जगह की रिक्वायरमेंट होती है स्टोर करने के लिए. वैरायटी ऑफ गुड्स स्टोरिंग स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होती है. सैलरी देनी पड़ती है, स्टाफ भारी होता है यहाँ पे, ज्यादा स्टाफ रखना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट्स करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है. तो यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूज होता है. देन सेवन, नो क्रेडिट फैसिलिटी. यहाँ पे कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती है, मतलब उधार में आपको माल नहीं मिलेगा. जनरल स्टोर पे आपकी लोकैलिटी में अगर आप कोई सामान परचेस करे तो हो सकता है आप अच्छे वैल्यूएबल कस्टमर हो तो सामने वाला बंदा आपको उधार में माल दे दे, लेकिन यहाँ पर कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती है. डिपार्टमेंटल स्टोर्स वर्क ऑन कैश बेसिस, या तो कैश पेमेंट आपको करना है या फिर आप क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू या डेबिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करते कर सकते हैं, बट डू नॉट ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी. लेकिन ये लोग जो है उधार में आपको गुड्स नहीं सेल करेंगे. देन सेकेंड वन, सुपर मार्केट शॉप. अभी सुपर मार्केट शॉप कौन से शॉप्स होते हैं, तो सुपर मार्केट इज अ लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन विच मेनली सेल्स वाइड वैरायटी ऑफ फूड एंड ग्रोसरी आइटम सेल करते हैं लोग ऑन द बेसिस ऑफ सेल सर्विस. मतलब आप अपने आप से अपना पसंद का सामान उठाकर बास्केट में डाल लो और फिर बाद में आप उसका क्या करो, आप उसका बिलिंग करवा लो. तो सुपर मार्केट इज अ लार्ज रिटेलिंग शॉप हो गई वेयर गुड्स आर केप्ट ऑन ओपन रैक्स. ओपन रैक्स पर में गुड्स रखे होते हैं, बायर्स हैव टू जस्ट सिलेक्ट द प्रोडक्ट. आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, प्लेस देम इन अ ट्रॉली और अ बॉक्स एंड ब्रिंग देम नियर द गेट एंड वेयर अ क्लर्क जो है प्रिपेयर्स अ बिल. आपका बिल प्रिपेयर कर देगा ऑन द काउंटर ऑफ फॉर द गुड्स सिलेक्टेड एंड द बायर पेज द बिल एंड टेक्स डिलीवरी ऑफ गुड्स. नाउ यहां पर डेफिनेशन दिया है सुपर मार्केट का कि अ लार्ज स्टोर सेलिंग ए वाइड वेरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स सेल करता है पर्टिकुलरली फूड एंड स्मॉल आर्टिकल्स ऑफ हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट यहाँ पे सेल होती है. तो यहाँ पे जैसे बिग बाजार, डीमार्ट एंड रिलायंस फ्रेश जो है वो हम सुपर मार्केट के अंडर में ले लेंगे. यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर में उसको नहीं कंसिडर किया गया क्योंकि यहाँ पर यूजुअली जो है हमारी डेली जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाले सामान यहाँ पर मिलते हैं. तो बिग बाजार, डीमार्ट, रिलायंस फ्रेश एक्सेट्रा सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर मार्केट. नाउ फीचर्स ऑफ सुपर मार्केट. सुपर मार्केट का शॉप का फीचर क्या है, लोकेशन. तो सुपर मार्केट जनरली कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, तो दे आर सिचुएटेड एट द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द सिटी. सिटी के सेंट्रल लोकेशन पे वेयर देर इज अ पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर जो भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, जहां पर जो जनसंख्या है लोग बाग ज्यादा रहते हैं. तो रेसिडेंशियल एरिया तो है ही है, साथ साथ में वो सेंट्रल लोकेशन होना चाहिए कि चारों तरफ से पब्लिक वहां पर पहुंच सके. देन सेकेंड, टाइप्स ऑफ गुड्स यहाँ पे कौन से होते हैं, तो सुपर मार्केट गुड्स ऑफ डे टू डे रिक्वायरमेंट वाले गुड्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं. डे टू डे रिक्वायरमेंट वाले गुड्स लाइक रिक्वायरमेंट आर सोल्ड, फूड हो गए, ग्रेन्स हो गए, टिंड फूड हो गए, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, ग्रोसरीज हो गए, स्टेशनरी हो गए. तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर में आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल जस्ट दिया था कि टॉयज, ड्रेसेस वगैरह है, तो वो अभी आजकल का डीमार्ट वगैरह में भी मिल रहा है, लोग अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, बिग बाजार वगैरह में भी मिल रहा है. तो उसका एग्जाम्पल आप लोगों का डिपार्टमेंटल स्टोर के अंडर में भी एग्जाम्पल ये आ जाता है कि बिग बाजार एंड डीमार्ट इनमें अलग अलग सेक्शन है, भारी इनका बिजनेस भी एक्सपेंडेड है. नाउ इन सुपर मार्केट एट टाइम्स गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल, जिस समय पर गुड्स अवेलेबल नहीं है विद स्मॉल रिटेलर्स के पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम ये जो गुड्स है वो हमें सुपर मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं. अगर हमारी लोकेलिटी में नहीं अवेलेबल है, इफ यू विल गो टू द सुपर मार्केट तो हमको इजिली रिसीव हो जाते हैं. देन द थर्ड वन इज सेल्फ सर्विस. हम खुद से अपने को जो सामान चाहिए वो ट्रॉली में भर सकते हैं. तो सुपर मार्केट ऑपरेट्स ऑन सेल्फ सर्विस स्टाइल. आप अपनी पसंद का चॉइस का सामान रख लो, देर आर नो सेल्समैन अराउंड इन द शॉप. आपके शॉप में अराउंड आपके को आगे पीछे कोई है ना सेल्समैन नहीं घूमने वाला है. द कस्टमर कैन सिलेक्ट द गुड्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड, जो भी इन्फॉर्मेशन, प्राइस इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी क्वांटिटी एवरीथिंग इज मेंशन ऑन द प्रोडक्ट. तो उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे गुड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. देन रीजनेबल प्राइसेस पे हमें जो है सुपर मार्केट में गुड्स रिसीव हो जाते हैं. तो सुपर मार्केट बाइज गुड्स ऑन लार्ज स्केल. एज सुपर मार्केट बाइज गुड्स ऑन लार्ज स्केल, क्योंकि भारी मात्रा में गुड्स को परचेस करता है खुद और फिर हमें पास ऑन करता है. दे पास ऑन द बेनिफिट्स टू देयर कस्टमर्स बाय सेलिंग द गुड्स एट रीजनेबल रेट्स. फिर वो रीजनेबल रेट्स पे हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं. आप कभी भी देखो आपके लोकेलिटी में जो राशन वाली जो जनरल स्टोर है वहां पर आपको थिंग्स एक्सपेंसिव मिलेंगे कंपेरेटिव टू अगर आप डीमार्ट जाते हो, आप बिग बाजार जाते हो, आप रिलायंस फ्रेश जाते हो, तो फिर आपको वहां पर ज्यादा चीपर मिलेंगे, रीजनेबल रेट पे मिल जाएंगे. मतलब
देन कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी जो लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट है एंड इट इज एस्टेब्लिश बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनको जो एस्टेब्लिशमेंट करता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होते हैं, जैसे कि रिलायंस फ्रेश को रिलायंस वाले ग्रुप ने किया है, टाटा ग्रुप, देन ग्राहक पेट एक्सेट्रा. देन सिक्स वन इज कैश सेल्स की बात करें तो गुड्स आर सोल्ड ओनली ऑन कैश बेसिस. यहाँ पर कैश बेसिस का कहने का मतलब क्या है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो लेकिन आपको उधार में माल नहीं दिया जाएगा. नो क्रेडिट फैसिलिटीज आर गिवन टू द कस्टमर्स. सम स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस सच एज कैश बैक स्कीम, आपको मिलती है स्कीम देते हैं लोग कि भाई आपने 1000 की शॉपिंग की तो 100 रुपया बैक मिलेगा आपको, या आपने 5000 की शॉपिंग की तो आपको 500 रुपया बैक है. देन लॉयल्टी प्रोग्राम हो गया एक्सेट्रा टू इंक्रीज द कैश सेल्स, अपने कैश सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कैशबैक स्कीम वगैरह एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह ये लेकर आते रहते हैं. देन सेवेंथ वन अट्रैक्टिव पैकिंग, इनकी जो पैकिंग होती है काफी अट्रैक्टिव होती है. तो यहाँ पर पैकिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. हम सब जानते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो सब जानते हैं कि जब कोई भी प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग अच्छी है तो हमें अट्रैक्ट करता है इन सेलिंग द प्रोडक्ट इन सुपर मार्केट ऑल्सो द सेम थिंग. गुड्स आर ड्यूली पैक्ड एंड बाय गिविंग डिटेल्स ऑफ क्वान्टिटी, क्वान्टिटी डिटेल जब हमें मिलती है क्वालिटी में हमें रिसीव होती है, वेट प्राइस कंटेंट एक्सेट्रा हमें अच्छे से रिसीव होता है. एंड इम्पल्सिव बाइंग, इम्पल्सिव बाइंग मतलब कस्टमर्स गेट इंड्यूस्ड टू बाय अनवांटेड आइटम्स भी हम लोग बाय कर लेते हैं कभी कभी. जब हम सुपरमार्केट जाते हैं तो क्या होता है हमें कोई चीज पसंद आई उसके साथ हमने दूसरे आइटम पे हमारा ध्यान गया और वो भी हमने उठा लिया, भले हमें उस दिन सेम डे हमको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं लेकिन हम उठा के ले आते हैं. तो बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव पैकिंग एंड सेल्स प्रमोशन स्कीम्स की वजह से जो कस्टमर है वो उत्सुक हो जाता है, वो दूसरा प्रोडक्ट भी परचेस कर लेता है, फोर्सफुली वो दूसरा भी परचेस कर लेता है, इंपल्सिव बायर हो जाता है. आई होप आपको जो सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अभी थर्ड है यहाँ पर चेन स्टोर्स. तो चेन स्टोर जो है ये भी लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स का ही टाइप हो गया. तो यहाँ पे जो चेन स्टोर्स है ये भी दिस इज ऑल्सो ओन्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, इसको सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है. एंड चेन स्टोर इज अ नेटवर्क ऑफ अ नंबर ऑफ ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांचेस का नेटवर्क हुआ जो कि डिफरेंट लोकेलिटीज में, सिटी की डिफरेंट लोकेलिटीज में ये सिचुएटेड होता है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो एट टाइम्स. सो दे आर ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय इट्स हेड ऑफिस. इसको हैंडल कौन करता है, हेड ऑफिस हैंडल करता है लेकिन ये अलग अलग जगह पे ये सिचुएटेड होता है. द अपीयरेंस इज सेम इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्प्ले, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्प्ले के हिसाब से इसका जो अपीयरेंस वो होता है, जैसे फर्नीचर का शॉप हो गया, द नेम बोर्ड्स हो गए, द स्टाफ यूनिफॉर्म हो गए, वो एक जैसी दिखाई देगी आपको. आर सेम इन कलर एंड डिजाइन, इनका कलर एंड डिजाइन भी सेम होगा. इनका जो नेम बोर्ड होगा, जो आपको बोर्ड दिखाई देता है शॉप के बाहर, फर्नीचर है वो एक जैसे होंगे, स्टाफ यूनिफॉर्म जो है वो एक जैसी होगी. नाउ डेफिनेशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेफेंसन व्हाट ही सेज, अ चेन स्टोर शॉप्स जो है includes a number of similar shops, एक जैसे shop, similar shops owned by a single business firm, इसको single business firm own करती है, run करती है. According to Clark and Clark, what is is that chain store system consist करता है, include करता है number of retail stores, बहुत सारे retail stores इसमें included होती है, which sell similar products, ये लोग sell करते हैं, are centrally owned and operated under one management, इनका जो operator होता है, management होता है, वो एक ही होता है. जैसे कि example के तौर पे यहाँ पर in India the retail shops बाटा स्टोर्स है, तो आप बाटा स्टोर्स आपको बहुत जगह पे दिखाई देंगे, तो वो एक ही ओनर की, ओनर का सिंगल बिजनेस फर्म का ही वो बिजनेस है जो स्प्रेडेड है, उसके ब्रांचेस स्प्रेडेड है. रेमंड के स्टोर्स हो गए, विजय सेल्स हो गया, क्रोमा का शोरूम हो गया, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो है वो चेन स्टोर्स के हैं. नाउ फीचर्स ऑफ चेन स्टोर्स, तो लो एंड यूनिफॉर्म प्राइसेस होते हैं, एक ही प्राइसेस आपको मिलेंगे, कोई भी आप इसके कोई भी शोरूम से आप खरीदो, बाटा के कोई भी शोरूम से खरीदो, अगर आपका प्रोडक्ट एक जैसा है, उसकी क्वालिटी एक जैसी है तो उसके प्राइस भी एक जैसे होंगे. तो लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस यहाँ पे में अवेलेबिलिटी होती है प्रोडक्ट्स की. तो ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड बाइंग फ्रॉम हेड ऑफिस, यहाँ पर हेड ऑफिस ही आता है सारा माल, तो प्राइसेस आर लेस, इसके जो प्राइसेस होते हैं वो लेस होते हैं. लो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, इसका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो भी कम होता है, एंड जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो भी लो होता है, तो इसके वजह से जो कमोडिटी का प्राइस है वो भी कम होता, कम प्राइसेस में हमें कमोडिटी रिसीव हो जाती है. देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन द इन प्राइस इन ऑल चेन स्टोर्स, आप भले कहीं पे से भी लो, आप बोरीवली से लो, आप बैंड्रा से लो, आप आपको चाहिए तो आप चर्चगेट से लो, तो बाटा स्टोर का जो प्रोडक्ट है वो अगर आपने लिया या रेमंड स्टोर से कोई प्रोडक्ट आपने लिया तो एक ही प्राइसेस आपको मिलेंगे, यूनिफॉर्म प्राइसेस मिलेंगे, अगर वो सेम क्वालिटी है, सेम
जो इसका ईयर है कब वो प्रोड्यूस हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइसेस लगते हैं। देन यूनिफॉर्मिटी, नाउ एवरी चेन स्टोर हैज सेम स्टाइल ऑफ, उसका सेम स्टाइल होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जो लेआउट होता है उसका जिस नेम बोर्ड से लेकर सब वो सेम होता है विथ सेम इंटीरियर, जिनके इंटीरियर भी एक जैसे होते हैं, कलर डिस्प्ले एक्सेट्रा, हैंस द कस्टमर्स कैन इजिली आइडेंटिफाई द चेन स्टोर। तो इसी वजह से हम चेन स्टोर को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई पर्सन नहीं ले सकता ना भाई, लोगो हुआ नेम बोर्ड वगैरह हुआ कोई दूसरी कंपनी नहीं ले सकती है। नाउ थर्ड, लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, यहाँ पे जो गुड्स आपको रिसीव होंगे वो उनकी रेंज जो है वो लिमिटेड रेंज है, मतलब ये कुछ ही वैरायटीज सेल करते हैं। तो चेन स्टोर सेल अ लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर कैन ओपन द चेन स्टोर बाय देमसेल्फ, वो लोग खुद से चेन स्टोर ओपन कर सकते हैं और थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी वो लोग चेन स्टोर ओपन कर सकते हैं, जैसे कि बाटा शॉप सेल्स देयर फुटवेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय बाटा स्टोर्स कंपनी लिमिटेड ओनली। तो जो बाटा शॉप्स है तो वो खाली बाटा शूज कंपनी लिमिटेड के ही फुटवेयर सेल करेगा। नाउ फोर्थ वन इज लार्ज इन्वेस्टमेंट, चेन स्टोर को भी लार्ज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, चेन स्टोर्स रिक्वायर्स लार्ज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस हैव टू बी मैनेज, बड़ी बड़ी बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ पर मैनेज करनी पड़ती है, इन टर्म्स ऑफ सैलरी को लेकर, सैलरी ऑफ स्टाफ है, देन एडवर्टीजमेंट है, डेकोरेशन एक्सेट्रा, सो देर इज अ नीड ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट, इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो भी ज्यादा चाहिए, हाई चाहिए यहाँ पर। देन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस, ब्रांचेस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोग, कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं प्रोडक्ट्स को, तो चेन स्टोर्स परचेसेस इन लार्ज स्केल फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड देन डिस्ट्रीब्यूट देम थ्रू द थ्रू इट्स ब्रांचेस, ब्रांचेस के थ्रू इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन सिक्स वन कैश सेल्स, चेन स्टोर जो है वो भी कैश बेसिस पे ही गुड्स सेल करते हैं, उधार में नहीं देते हैं, चेन स्टोर सेल देयर गुड्स ऑन द कैश बेसिस ओनली, कैश सेल्स अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ बैड डेबिट, बैड डेब्ट्स आना चाहिए यहाँ पे, डेबिट्स नहीं, बेड डेप्स, बेड डेप्स को की प्रॉब्लम को ये अवॉइड करता है, अगर उधार में माल दिया तो फिर बेड डेप्स होने के चांसेस होते हैं। आप लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो उसमें भी आप लोगों को पता है, जब डेटर है कस्टमर है उसको अगर उधार में माल दे दिया और उसने अगर पेमेंट नहीं किया तो वो एज अ बेड डेप हमें रिकॉर्ड करना होता है, राइट। तो यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन ही करते हैं लोग। नाउ सेवेंथ, क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे द क्वालिटी जो है गुड्स की, द चेन स्टोर सेल स्टैंडर्डाइज्ड एंड ब्रांडेड गुड्स ये सेल करते हैं, एंड द क्वालिटी जो होती है गुड्स की इज एश्योर्ड टू कस्टमर्स इन चेन स्टोर, चेन स्टोर में कि भाई आपको कहीं से भी कोई भी स्टोर से लो, आप हमारे कोई भी शॉपिंग मॉल से लो, सेम रेट आपको मिलने वाली है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो हमारे कोई भी आप शॉप पर जाओ, कोई भी सुपरमार्केट में जाओ, सॉरी कोई भी चेन स्टोर में जाओ, आपको सेम प्राइसेस एंड सेम क्वालिटी ही रिसीव होने वाली है, तो उसका एश्योरेंस कस्टमर को रिसीव होता है, गारंटी उसकी मिलती है। नाउ फोर्थ वन जो है लार्ज स्केल जो बिजनेस है रिटेलर वाला, तो उसमें वन प्राइस शॉप आ गया, तो द शॉप वन प्राइस शॉप वर्ड ही आपको बता रहा है, एक ही प्राइस, द वन प्राइस शॉप वेयर द प्राइसेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स और गुड्स आर ऑफ सेम आर सेम इज नोन एज वन प्राइस शॉप। तो दिस शॉप सेल्स अ वैरायटी ऑफ गुड्स, सेल करते हैं ये लोग डेली यूज वाले एट लो प्राइसेस में सेल करते हैं, तो द प्रोडक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, प्रोडक्ट का हम क्या है साइज नहीं कंसिडर करते, यहाँ पे क्वालिटी नहीं कंसिडर करते, आर सोल्ड एट भले कोई भी साइज हो का हो, कोई भी क्वालिटी का हो, और वो यूनिफॉर्म प्राइस में सेल होता है, तो द प्राइस आर फिक्स्ड इन एडवांस, उसके प्राइसेस जो कमोडिटी के वो एडवांस में फिक्स होते हैं, तो यहाँ पे भी कोई नेगोशिएशन वाली बात तो होती नहीं है। गुड्स लाइक गिफ्ट आर्टिकल्स हो गए, वॉचेस हो गया, शैम्पू हो गए, हेयर प्रोडक्ट्स हो गए, हाउस होल्ड आर्टिकल्स है, क्रॉकरीज एक्सेट्रा जो है वो वन प्राइस शॉप पे रिसीव होती है। फॉर एग्जाम्पल शॉप सेलिंग गुड्स फॉर रुपीज 49 वाला, 99 वाला, रुपीज 199 वाले, तो ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ रुपीज 199 इस तरीके से, तो उसे वन प्राइस शॉप बोलते हैं। अभी फीचर्स क्या है वन प्राइस शॉप के, तो क्विकली वो भी देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म प्राइस ऑल द गुड्स वेदर बिग और स्मॉल, भले छोटे हो या बड़े हो साइज में, आर सोल्ड गुड्स एट वन स्टैंडर्ड प्राइस में ही, ये फिक्स स्टैंडर्ड प्राइस में ही सेल होते हैं, एंड देर इज नो स्कोप ऑफ बार्गेनिंग, मतलब यहाँ पर आप कोई भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो, निगोशिएशन नहीं कर सकते हो, आप मोल भाव नहीं कर सकते, इसका मतलब मोल भाव नहीं कर सकते, भाई इतने में ही दे दो, 99 नहीं 80 रुपए में दे दो, ये सब है ना वेजिटेबल मार्केट में चलता है, ओके। देन सेकेंड वन इज लो प्राइस, लो प्राइस बात करेंगे तो यूजुअली द प्राइस ऑफ द गुड्स इज रीजनेबल होते हैं एंड लो होते हैं, रीजनेबल प्राइस होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, और लो प्राइजेस होते हैं,
वैरायटी ऑफ गुड्स यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पे दीज शॉप्स यूजुअली डील इन वैरायटी ऑफ स्मॉल साइज की गुड्स ही बेचते हैं ज्यादा करके। देयर इज अ वाइड स्कोप ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स लाइक स्टेशनरी है, टॉयज है, फन गेम्स हो गए, प्ले कार्ड्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गया, तो ये सब आपको जो है वन प्राइस शॉप में रिसीव हो जाता है। देन फोर्थ वन इज लोकेशन। लोकेशन को लेकर बात करें तो दीज शॉप्स आर लोकेटेड इन बिजी सेंटर्स ऑफ द सिटी। सिटी जहां पर बिजी एरिया है, सिटी की मार्केट है, स्ट्रीट है, वहां पर ये जो शॉप्स है वो लोकेटेड होते हैं। एज बिजी ट्रेड स्ट्रीट्स नियर रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप्स हो गया, तो समटाइम ये वाली जो शॉप होती है टेम्पररीली भी सेटअप होता है इनका। दी शॉप इज टेम्पररीली सेटअप इन द फेयर्स, मेला लगता है, एग्जीबिशन लगता है, तो वहां पर भी ये शॉप्स हमें देखने मिलती है वन प्राइस वाली। सब कोई भी प्रोडक्ट लो 49 रुपीज का ऐसे सेल करते रहते हैं। देन फिफ्थ वन इज कैश सेल्स। तो यहाँ पर इन दिस शॉप गुड्स आर सोल्ड ऑन द कैश बेसिस ओनली। यहाँ पे रोकड़ा में कैश बेसिस में सेल होता है एंड नो क्रेडिट फैसिलिटी इज गिवन। क्रेडिट फैसिलिटी हमें जनरली जनरल स्टोर पे मिलती है, हमारे बाहर जो ग्रोसरी शॉप होती है नियर बाई हमारे बंगलो एंड फ्लैट के नियर बाई सोसाइटी की नियर बाई होती है, वहां पर नो क्रेडिट फैसिलिटी इज गिवन टू द कस्टमर, सो देयर इज नो रिस्क ऑफ बैड डेट। सो यहाँ पर भी बैड डेट वाला कोई रिस्क नहीं होता है। देन सिक्स वन इज लेस कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस होता है क्योंकि स्मॉल गुड्स ही सेल करते हैं। ड्यू टू स्मॉल गुड्स दीज स्टोर्स रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसके लिए इनको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। लास्ट फिफ्थ वन इज द मॉल। तो लार्ज स्केल जो फिक्स्ड रिटेलर्स है उसमें फिफ्थ वन है मॉल है। तो मॉल इज अ लार्ज एनक्लोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा सारा एनक्लोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वेरियस स्टोर्स। इसमें बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं। यहाँ पे RANTS लिखना है आपको, ई नहीं आना चाहिए, रेस्टोरेंट्स। नाउ अ मॉडर्न जो शॉपिंग मॉल है इज एन अमेरिकन टर्म, ये अमेरिकन टर्म है इन विच वन और मोर बिल्डिंग्स जो है फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार कर देती है। एंड इट इज अ मॉडर्न टाइप ऑफ शॉप जहां पर जो कस्टमर उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिसीव होते हैं वन यूनिट टू अनदर अदर यूनिट्स ऑफ मॉल। एक से दूसरे मॉल में आप जाकर वो प्रोडक्ट जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको रिसीव हो जाते हैं। तो फ्रॉम द लेट 20th सेंचुरी एंटरटेनमेंट वेन्यू सच एज मूवी थिएटर्स भी अभी इसमें ऐड हो गए हैं। आप अगर मॉल में जाओगे, आप इनॉर्बिट जाते हो, आप बहुत सारे मॉल्स हैं, तो ये वहां पर आपको मूवी थिएटर्स है, रेस्टोरेंट्स है, वो भी आपको अटैच ही मिलेंगे, इंक्लूडेड मिलेंगे, बिगेन टू बी इंक्लूडेड। एंड नाउअडेज द पॉपुलैरिटी ऑफ मॉल इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल एट वन प्लेस। एक ही जगह पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको रिसीव हो जाते हैं, जैसे फोनिक्स मॉल हो गया, इनॉर्बिट मॉल हो गया, ठीक है। सो देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेरियस रिटेल शॉप सच एज डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर एंड मॉल के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, थोड़ा सा थिन, एकदम लिटिल डिफरेंस ही आता है। बाकी यहाँ पर जो रनर होता है वो एक ही ओनर रनर होता है, इनको रन करने अंडर वन रूफ मतलब ये आ जाते हैं सारे बिजनेसेस। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है इंटरनल ट्रेड को लेकर, जिसमें हमने होलसेलर का बिजनेस, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड कवर अप कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिसेंट ट्रेंड इन रिटेल ट्रेड, यहाँ पे रिसेंट ट्रेंड भी स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनेशनल ट्रेड कवर अप करेंगे। तो नाउअडेज जो ऑनलाइन रिटेल है वो भी उसने भी जगह ले ली है भाई रिटेल शॉप की। फॉर्म बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिकम मोर पॉपुलर इन इंडियन सिनेरियो एंड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग। सो दिस इज अ दिस फॉर्म इज वेरी इजी प्लेटफॉर्म है फॉर सेलर ऑल्सो, एज लेस इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, नो नीड ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ज्यादा आपको स्टोर करके और वेयर हाउस करके रखने की जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन की भी जरूरत नहीं है कस्टमर्स के साथ में। एंड उनका जो फोकस होता है कि वो प्रॉम्प्ट सर्विस मतलब क्विकली सर्विस प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें। फॉलोइंग आर वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनलाइन रिटेल फॉर्म्स। तो ऑनलाइन रिटेल फॉर्म्स के एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, शॉप क्लूज हो गया, देन मैंत्रा हो गए, तो ये सारे के सारे लेटेस्ट जो है वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल्स है ऑनलाइन रिटेल फॉर्म्स के। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके साथ में ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 ट्रेड वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।